किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी शंखदार। भारतीय किसान संघ रामपुर के जिलाध्यक्ष आदेश शंखदार के नेतृत्व में किसानों ने उपजिलाधिकारी मिलक मनोज कुमार सागर के आवास पर पहुंचकर 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष आदेश शंखदार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक के लिए गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए थे, लेकिन सरकार के द्वारा पिछले कई दिनों से गेहूं खरीद पोर्टल पर नए नए प्रयोग करके किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। जब सरकार के द्वारा 15 जून 2021 तक क्रय केंद्र स्थापित किए गए, तो फिर सरकार किसानों के गेहूं खरीदने से क्यों कतरा रही है? सरकार सभी किसानों का पूरा गेहूं खरीदे। नगर मिलक की उद्यान विभाग की सरकारी भूमि साप्ताहिक बाजार की पक्की पैमाइश जल्द से जल्द कराई जाए। ग्राम करिंगा, पीपला, शिवनगर, एचोरा एवं धर्मपुरा में सरकारी तालाबों की पैमाइश कराकर उन्हें कब्जा मुक्त कराकर उनका सौंदर्यकरण कराया जाए, जिससे कि जल संरक्षण हो सके। वार्ड संख्या 19 खाता नगरिया नगर पालिका परिषद मिलक में कई वर्षों से जलभराव है, जिसके कारण गंदगी का अंबार है और बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके संबंध में दिनांक 28 मई 2021 को तहसीलदार मिलक की अध्यक्षता में सरकारी गूल की नपत भी की गई थी तथा कुछ हिस्सा गूल का जेसीबी मशीन के माध्यम से खोदा भी गया है, लेकिन पुरानी स्थिति बरकरार है। जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है तथा पक्की नाली बनाने हेतु कोई भी कार्यवाही नगरपालिका परिषद मिलक द्वारा नहीं की जा रही है। वहां के निवासी बेहद परेशान हैं, उक्त स्थान पर पक्की नाली का निर्माण करके समस्या से निजात दिलाई जाए। नगर मिलक की साप्ताहिक बाजार में केवल सब्जी का बाजार कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए जनहित में खोला जाए। थाना मिलक जिला रामपुर में दिनांक 11 नवंबर 2020 को एक रिपोर्ट संख्या 04452020 एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से गन्ना खरीद की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके संबंध में सचिव गन्ना समिति मिलक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन थाना मिलक पुलिस द्वारा आज तक आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। वह आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहा है, इससे प्रतीत होता है कि आरोपियों में पुलिस का भय समाप्त हो गया है। थाना पटवाई जिला रामपुर में दिनांक 7 अप्रैल 2021 को एक रिपोर्ट संख्या 00712021 UPSS के जिला प्रबंधक द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें क्रय केंद्र प्रभारी व उसका एक सहयोगी न्यूनतम समर्थन मूल्य से 125 रुपए प्रति कुंतल गेहूं कम दामों में खरीदने की ऑडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन थाना पटवाई की पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, यह हमारी समझ से परे है। इसी कारण आरोपियों में पुलिस का भय समाप्त हो चुका है और एक आम आदमी थाने में जाने से डरता है। इन दोनों आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। ज्ञापन में कहा, सभी 8 बिंदुओं पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जानी चाहिए, अन्यथा भारतीय किसान संघ कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। इस अवसर पर मुजीब कमाल, कपिल देव कोरी, वीरेश शर्मा, प्रमोद गुप्ता, यूनुस अंसारी, कमोद शर्मा, तौसीफ खान आदि किसान मौजूद रहे।